के सेट पे मुलाकात होती रहती थी हमेशा। पीछे ना हाँ लेना पीछे ना थोड़ा। हेली जी केम छो? यहाँ पर मैं थोड़ा सा साथ में आ जाए ना। तानिया जी सेंटर यहाँ पर गेट के बाहर कर ले। चक्कर खिलाओ हेली जी। पहला दिन मैंने बहुत गर्म हो रहा है, पहला फोटो कर ले। मैम सेंटर यहाँ पर मैडम जी बोलते बोलते कि कभी लोखंड वाला तो कभी यहाँ कहाँ कहाँ घूमते रहते घूमती है वो आ गए मैडम जी आए थे लंच के लिए। फिर हम एक फ्रेंड के घर आ गए तो इसलिए और आपका फोन आ गया कि आप इधर हो तो मैं भी सोच ही रही हूँ आपको पता था। हाँ घूमने स्टॉप कर नहीं लीजिए इधर। क्या ये नंबर से देख लेंगे मैम। तानिया जी आप आ जाइए। थैंक यू। मेरे कॉल लगी है मेरे क्या है जस्ट हेलो अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इधर नहीं क्या मैडम जी? यहाँ पर भी कल बाहर आई और जिम पे भी आ गई। आप लोग पहुंच गए थे जिम? पहुंच गए करके ही आ रहे हैं। आ जाइए साथ में बाइक कर। ओके गुड टू सी यू बोथ। योर शो इज डूइंग वेल और आपका गाना भी काफी अच्छा है। थैंक यू। सो उसके बारे में क्या कहोगे? काका वाला उसके बारे में मैं क्या कहूँ? ऑफ कोर्स इतना अच्छा रिस्पांस मिला है हमारे गाने को सो इट फील्स नाइस। लोगों को पसंद आया है गाना एंड इट्स अ नाइस फीलिंग। एंड क्या एक्सपीरियंस रहा काका के साथ काम करने में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ही सच अ वंडरफुल सिंगर एंड आल्सो यू नो व्हेन आई मेट हिम द वाइब दैट यू गेट फ्रॉम द अदर पर्सन आई थिंक इट्स सो वार्म एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ वेरी नाइस। And what kind of responses you are getting from your friends? Did you saw ma'am? Oh yes, she's looking absolutely stunning. I mean, we know ki Heli hamesha alag-alag cheezon pe apna matlab photo prove karti hai. And this song also is very different from her previous song. I told her and I keep commenting her on her post. So you all know that I'm a big fan of hers. So she's looking very beautiful and obviously the song is trending since weeks. I think jab se launch hua hai, it's still trending. I think till today. So yeah. It's a good feeling. It's a good thing. And now, अभी आने वाले समय में क्या कुछ देखने मिलेगा? जो भी आएगा मैं बताती रहूँगी आप लोगों को। हेली लॉन्च हो रही है शाहरुख के ऑपोजिट। What? Is it true? नहीं वो मैं घी शक्कर। And ma'am, your show is also doing really well. People loves with your character. So उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? People love me, Heli, you love me, है ना? You love me. I love you. Yeah, the show is going great. और अभी we are back on track since Simar is back in our house. So अभी story will revolve around Oswal House only. Interesting साल दो drama होने वाला है. I hope you like. And do you guys follow Big Boss? क्या कोई घर में है आपका Big Boss? कोई friend आपका कोई घर में है? फॉलो नहीं करते बट वी डू नो लॉट ऑफ पीपल इनसाइड द हाउस। बिग बॉस के सवाल मत पूछा करो, देखते नहीं हम लोग। आई थिंक आई डू नॉट वॉच इट एट ऑल। हां मैंने पहले भी बोला था दैट वी डोंट फॉलो बिग बॉस बट ऑब्वियसली जैसे विद ही वाज इनसाइड एंड देवलीना वाज इनसाइड तेजस्वी इज देयर सो आई थिंक जानते हैं बट वी डू नॉट फॉलो। इनफैक्ट विधि गई थी मैंने एक एपिसोड नहीं देखा है उसके लिए भी नहीं देखा है। आई मीन या और अभी विधि का भी कोई न्यूज़ आ रहा है उनके बारे में कुछ बता दीजिए। हां वो उसके बारे में मतलब ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगी बट आई थिंक शी नोज़ व्हाट आई फील फॉर हर एंड या आई थिंक ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम एंड आई लव यू अगर वो देखेगी तो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। चलो मैम आज ही रिपब्लिक डे। आई थिंक सबसे पहले हम सबको विश करना चाहेंगे हैप्पी रिपब्लिक डे एंड
मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ना इन दिनों हम इसके बारे में बात करें, बट आई थिंक थ्रू आउट द ईयर वो एक फीलिंग, वो एक पेट्रियोटिज्म हमेशा होना चाहिए, एंड नॉट जस्ट दीज नेशनल हॉलिडेज. आपके फ्रेंड्स के लिए कुछ मैसेज? फैन के लिए छुट्टी के साथ साथ आई थिंक वी शुड रिमेम्बर आर जवान जो शहीद हुए हैं, और आई सल्यूट टू देयर फैमिली जिनका इतना बड़ा जिगरा है कि वो मतलब रह पा रहे उनके बिना. सो सल्यूट टू ऑल ऑफ देम एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग अस. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. Thank you.